The topic, the subject that we joined this meeting for is PGM, probabilistic graphical model. आप सबको पता ही होगा, आप लोगों ने already अब college चालू हो गया तो पूरा research क्या syllabus है semester 5 का ये सब already study कर लिया होगा. ये जो particular subject हम लोग आज start कर रहे हैं, ये पहली बात तो एक elective subject है. Elective subject का मतलब क्या हो गया? You were given 3 choices. Out of those 3, you have to select any one. Now PGM. अगर मैं दूसरे वाले भी बात करूं, शायद दूसरा तो मुझे पता नहीं, इंटरनेट प्रोग्रामिंग है और एक शायद डेटाबेस से रिलेटेड है, राइट? ADBMS है. ADBMS, yes. So ये जो तीन सब्जेक्ट है ना, ये तीन में इलेक्टिव क्यों बोलते हैं हम लोग? इलेक्टिव सब्जेक्ट क्यों रखा जाता है कि आपको अगर पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है आगे, या अगर मैं सेमेस्टर 6, सेमेस्टर 7, सेमेस्टर 8 की बात करूं तो आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना होगा. So, अगर कोई चीज में आपको प्रोजेक्ट बनाना है, सो यू शुड बी हैविंग सर्टेन इंटरेस्ट इन दैट, राइट? अनलाइक अगर कुछ लोग जैसे यहाँ वहां बनवा लेते हैं, किसी से और प्रेजेंट कर देते हैं, वो बहुत गलत चीज होती है, वैसा नहीं करना चाहिए. सो आपका एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 में आप लोगों ने अपने ब्रांच के सब्जेक्ट्स पढ़े. ये सेमेस्टर में भी जैसे आप लोग TCS पढ़ोगे, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, आपका एक नेचुरल इंक्लिनेशन होगा किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ. हो सकता है वो डेटाबेस मैनेजमेंट की तरफ हो सकता है वो प्रोग्रामिंग की तरफ हो, लाइक इंटरनेट प्रोग्रामिंग एंड ऑल. हो सकता है आपका वो काम मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ हो. सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये तीन इलेक्टिव बनाया गया है. सो डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ दीज. एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसमें आपको आगे नेक्स्ट सेमेस्टर में जो इलेक्टिव आएगा वो इलेक्टिव सिलेक्ट करना होगा. उसके बाद फिर आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो. एंड पूरा इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद आपको आगे लाइफ में क्या करना है, किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, डेटा साइंस में जाना है, डेटा माइनिंग में जाना है, प्रोग्रामिंग में जाना है, कोड प्रोग्रामिंग में जाना है, मशीन लर्निंग में जाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जाना है, जो भी चीज आपको डिसाइड करना है वो अभी तय करना है. क्लियर? मतलब ये नहीं कि आपको बाद में चॉइस नहीं मिलेगी, बट ये बेटर है कि आप पहले से चीजों को समझ लो. गेट यू नो इन दैट ग्रुप, गेट इन द ग्रुप बोलते हैं ना, उसके मन में पूरा घुस जाओ, समझ जाओ. सो ये करने के लिए इलेक्टिव आया. अब टॉपिक की अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट की, तो PGM, प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल, नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं है. काफी लोग सोच रहे होंगे कि सिंस आई एम गोइंग टू टेक दिस टॉपिक, सो दिस बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स. नो, दिस बिलोंग्स टू इवन लाइक आई कैन से एन एडवांस्ड पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. It's not applied mathematics at all. This particular subject, I like the name. और shortcut में लिखते हैं ना, इतना लंबा छोड़ा क्यों लिखने का? Probabilistic graphical model shortcut में मैं बार-बार आप लोगों को यही बोलूँगा, PGM. Yeah, this P is for probability, so that I can say yes, it is mathematics, but probability, permutations, combinations, these are not core mathematics terms. These are basically applied mathematics terms. Applied mathematics मतलब समझते हो, ऐसी चीजें जो आप real life में कहीं ना कहीं use करते हो. और हम लोगों ने जब probability पढ़ा था, क्या semester 4 में, हम लोगों ने semester 3 में भी था ना, मुझे याद नहीं आ रहा है, या sem 3 में भी था, sem 3 and sem 4 हमने इसमें पूरा probability पढ़ा. उसी का revision हम लोग आज करेंगे, today being first session. आवाज आ रही है ना? यस सर. यस सर. सो ये जो प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का एक हिस्सा हुआ, आई कैन अंडरस्टैंड. देन सेकंड इज जी. जी स्टैंड्स फॉर ग्राफ. अब ये ग्राफ भी आपको याद ही होगा, ये ग्राफ आपने सुना है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, डेटा स्ट्रक्चर्स में, नोड्स, ये वो बहुत सारा कुछ सुना है ना, ट्री, ये बेसिकली जी के लिए आया. And M is basically nothing but your model. So probabilistic graphical model is basically a collection of applied mathematics, discrete mathematics, or I can say data structures, discrete structures. And then modeling means a collaboration of both. That means applying understanding of these two things to real life problems. ठीक है, आज पहला सेशन है तो मैं बहुत ज्यादा आपको सब्जेक्ट के डीप में नहीं लेके जाऊंगा. ओवरव्यू बोलते हैं ना, सुपरफिशियल नॉलेज आपको दूंगा, जो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. एक और चीज, ये सब्जेक्ट आज तक मुंबई यूनिवर्सिटी में नहीं आया था कभी.
ये बहुत बोलते हैं ना एडवांस लेवल का है, एडवांस लेवल में नहीं बोलूंगा एक तरह से, ये चीजें ऐसी है जो ऑलरेडी काफी इंजीनियरिंग करिकुलम में कोर्सेज में यूज की जाती थी। लेकिन अब कैसा है, अब आप सबको पता है कि काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, मशीन लर्निंग में, है ना, सब चीज को ऑटोमेट करना है आपको। सो इसके लिए ये वाला पार्ट इलेक्टिव में डाल दिया गया है, काफी लोग इंटरेस्टेड होते हैं मुझे AI में करना है कुछ आगे, है ना, एलन मस्क एंड ऑल। सो आपको वो चीज को ध्यान में रखते हुए ये डाला हुआ है, ठीक है। सो आई कैन से दिस इज बेसिकली 20% ऑफ मैथमेटिक्स एंड 80% ऑफ रीजनिंग। आपको याद दिलाता हूँ, रीजनिंग के लिए आपके लाइफ में आपको पहले से तैयार किया जाना शुरू कर दिया गया था। यस, 10th स्टैंडर्ड और 11th स्टैंडर्ड यू स्टडीड लॉजिक फर्स्ट टाइम, 9th में आपने पहली बार सेट्स पढ़ा था, फिर आया सेट्स आपने देखा डिस्क्रीट मैथ्स में यूज होता है, फिर आया था लॉजिक। लॉजिक याद है वो ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू याद है, TTTF, FTFF, यस सर, याद है ना, ये वो वाला। ये जो लॉजिक है बेसिकली लॉजिक क्या आपको बताता है, इट गिव्स यू रीजनिंग। आई आस्क यू वन क्वेश्चन, लेट्स सी किसी को याद है कि नहीं, इसका मीनिंग क्या होता है, आपने ऐसे कुछ नोटेशंस पढ़े हैं, इंप्लाइज, हां ये वाला बताओ ये क्या है, एंड, एंड ये और ये इंप्लाइज, इंप्लाइज और इंप्लिकेशन बोलते थे ना, डबल साइडेड रहेगा तो उसको डबल इंप्लिकेशन बोलते थे। सो अगर मैं आपको बोलूं ट्रू एंड ट्रू इज व्हाट, ट्रू ट्रू, ओके, दिस इज व्हाट वी कॉल एज इट्स अ लॉजिकल इक्विवेलेंट टर्म, लॉजिकल इक्विवेलेंट। सो आई हैव, सपोज आई हैव अ स्टेटमेंट दैट इट इज रेनी एंड आई हैव अनदर स्टेटमेंट इट इज अ डे ऑफ मंथ जुलाई, today is what was the date, 19th, huh? Today is 19 July. So both the statements are true. So if I say today is 19 July and it is raining today, am I saying something correct? Yes, definitely. It is 19 July and it is raining also today, right? So I can say this a true statement. Similarly, if I have like or statement, true or true, then also we have certain result for that. अभी हम लोग उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, मैं सिर्फ आपको एक चीजें बता रहा हूँ। ये तो आप पढ़ते हो ना, अच्छा ये याद है किसी को टी इंप्लाइज एफ, इसका आंसर क्या होता है, फॉल्स, आर यू श्योर, यस यस। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, अगर कोई ट्रू स्टेटमेंट इंप्लाई करता है टुवर्ड्स एनी फॉल्स स्टेटमेंट, सो इट्स लॉजिकल इक्विवेलेंट इज फॉल्स। व्हाई, बिकॉज अ ट्रू थिंग कैन नॉट इंप्लाई अ फॉल्स थिंग। मैं बोल रहा हूँ आज आज रेन हो रहा है, सो आज 15 अप्रैल है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्लियर। सो ये जो लॉजिकल रीजनिंग आप करते हो, ये लॉजिकल रीजनिंग रियल लाइफ में कैसे यूज होती है, हम लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है। ये वाला सब्जेक्ट आपको वो चीज करके दिखाएगा, ठीक है, और वो कैसे पॉसिबल होगा रीजनिंग विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। सो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल नॉलेज, ग्राफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नॉलेज, और लॉजिकल रीजनिंग, मॉडल means implementing all those knowledge together so as to design a system which is always true or basically which gives us more probable solution for a particular problem. I'll take an example, theek hai, main abhi sirf aapko sirf overview de raha hu, knowledge de raha hu, aur aaj ke session mein hum log kya karenge, pehle to knowledge pe pura discussion kar lete hain ki syllabus kya hai, syllabus main aapko screenshot share karke bhi dikhaunga aur bataunga ki uska weightage kaisa hai, kya hai, wo sari cheeze hum log discuss karenge। और आज के सेशन में वो डिस्कस करने के बाद हम लोग पूरा प्रोबेबिलिटी का बेसिक्स डिस्कस करेंगे। आप में से काफी लोगों ने शायद गेट भी अटेंड किया होगा, सो गेट में भी जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है वो बेसिक्स भी काफी कारगर साबित होगा इसमें, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट होगा। सो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल के अंदर हमें अभी क्या बताने जा रहा था, वो कुछ और बताने जा रहा था, सिलेबस ओवरव्यू, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, नहीं है तो भी चलो यही एग्जांपल ज्यादा बेस्ट सूटेबल है तो मैं देता हूँ, या मैं कुछ और भी एग्जांपल ले सकता हूँ। अगर आपको पता होगा कि अगर आपको क्रिकेट खेलना है, आपको इन द सेंस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है सपोज, तो वो मैच एक पर्टिकुलर डे पे होना है। आप एग्जाम्पल लेता हूँ जो हमेशा वॉश आउट हो जाता है, इंडिया एंड इंग्लैंड, और मैच है इंग्लैंड में। आप सबको पता है कि वो मैच में एक सबसे बड़ा रुकावट होता है, वो होता है वेदर, क्योंकि यूके का बहुत अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी सनी हो जाता है, सनी तो वैसे कम होता है,
ज्यादा करके वहां बारिश ही हो जाती है, बीच बीच में शावर्स आ जाते हैं. सो इफ आई वॉन्ट टू सी अ पर्टिकुलर मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड इन इंग्लैंड, इफ आई एम अ क्रिकेट फैन आई डोंट वॉन्ट दैट मैच टू गेट वॉश्ड आउट. मुझे नहीं चाहिए कि वो मैच गए हो, ठीक है. सो ये पर्टिकुलर गेम प्ले गेम आप बोल सकते हो, दोनों की टीम के बीच में अगर गेम होना है तो मैं जाकर टिकट खरीदूंगा. मान लो वो एक टेस्ट मैच है, ठीक है. टेस्ट मैच बेसिकली 5 days का होता है. सो फर्स्ट डे मैंने ऑब्जर्व किया, सेकेंड डे मैं टिकट खरीदूंगा. सो अगर क्रिकेट हो रहा है तो मैं खरीदूंगा टिकट. सुनते जाना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा. तो क्रिकेट मैच दोनों टीम्स के बीच में सबसे ज्यादा डिपेंड करेगा, सबसे ज्यादा वेदर के ऊपर. अब आप ये भी बोल सकते हो इट ऑल्सो डिपेंड्स बिटवीन बिकॉज ऑफ यू नो द रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है. हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो टाइम मैं बोल भी सकता था, बट वो सब प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है. पहले से पता चल जाता है कि हाँ ये सिचुएशंस पॉलिटिकल सिचुएशंस है बिटवीन द कंट्रीज, तो मैच होगा या नहीं होगा. अभी यहाँ पे अगर हम लोग पर्टिकुलर डे की बात करें, कल मैच होना है और मुझे डिसीजन लेना है कि मैं टिकट खरीदूं या नहीं, तो यहाँ पे कोई पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं आता, ठीक है. सो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक भी हम लोग नहीं हो रहे, रियलिस्टिक सोच है, वेदर पे डिपेंड करेगा, ठीक है. अब वेदर में भी क्या सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे किस बात से है, इफ इट इज सनी, इफ इट इज क्लाउडी देन ऑल्सो आई कैन प्ले. सनी है तो मेरे को बहुत ही अच्छा है ना. क्लाउडी है अगर बहुत ज्यादा तो भी मैं खेल सकता हूँ. रेनी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है. अब रेनी नहीं होना चाहिए, मतलब आई कैन से वेदर मींस रेन. तो रेन को बेसिकली कौन सी चीजें जो उसको फैक्टराइज करती है, किसकी वजह से वो रेन अफेक्ट होता है, वेदर अफेक्ट होगा, वो मेन चीजें होती है. एक होता है ह्यूमिडिटी, क्लाउड फॉर्मेशन, या बेसिकली वो विंड के प्रोसेस से होता है. आप समझ रहे हो, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि रेन होगा या नहीं होगा. रेन के ऊपर डिपेंड हो रहा है कि क्रिकेट मैच होगा या नहीं होगा. 5 days का मैच है, फर्स्ट डे मैं उसको ऑब्जर्व करूं या समझो वो वन डे ही है, बट मैं टिकट काउंटर पे खड़ा हूँ स्टेडियम के बाहर, मैं ले नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ वेदर के हिसाब से देख रहा हूँ कि मैच शुरू हो जाएगा तब मैं टिकट ले लूंगा, देन आई विल बाय टिकट. समझ रहे हो, सो दिस इज माय डिसीजन. ध्यान से सुना, अब इसको मैं ये बहुत सिंपल एग्जांपल लिया है, बहुत इजी, सब आपको सबको सुनकर लगेगा कि यार ये क्या एग्जांपल है, तो नॉर्मल सी बात है, बट इसी में आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा. दिस इज माय डिसीजन एंड दीज आर बेसिकली कॉजेस वन आफ्टर द अदर. ये डिसाइड कर रहा है इसको, ये डिसाइड कर रहा है इसको, ये डिसाइड कर रहा है इसको. सो एक तरह से चेन बन रहा है जिससे मेरा एक डिसीजन रेडी होगा. अब ध्यान से सुनना, इफ देयर इज अ क्रिकेट गेम गोइंग ऑन then only I'll buy ticket. Don't you think it is something related to probability? Like if I say, we will toss a coin, and if we get output as head, then only I'm going to come with you for a movie. Getting it? So it's basically a game of probability. So all decisions at each level is basically associated with some kind of a number that we call as probability. Clear? If there is 80% humidity, 90% wind increase in wind speed, then that may amount to a particular rain. Maybe 10 mm, 20 mm, 30 mm. अब बारिश पे तो डिपेंड करती है. आपने कई बार देखा होगा कि क्रिकेट ग्राउंड पे हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्का हल्का, फिर भी क्रिकेट खेल रहे हैं. वो हल्का सा शावर आता है, पासिंग शावर बोलते हैं ना जिसको, वो आता है और चला जाता है. सो तो भी आपका मैच होता है. सो मैं डिसीजन, जब मैं काउंटर पे खड़ा हूँ टिकट लेने के लिए, एक पासिंग शावर आया और गया, मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा मोमेंट के लिए. बट ओवरऑल होना चाहिए कि नहीं, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस पे. सोचो आपका डिसीजन कौन अफेक्ट कर रहा है, ये अफेक्ट नहीं कर रहा है अभी, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है अफेक्ट. क्लियर? बट एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब आप काउंटर पे खड़े हो, क्या आप मीटर लेके खड़े रहोगे, ह्यूमिडिटी कितना है, विंड स्पीड कितना है, टेम्परेचर कितना है ना, कौन से साइड से हवा बह रही है, ये सारी चीजें आप सोचने बैठोगे वहां पे पूरा मशीन लगा के? नहीं. सो योर डिसीजन एट टाइम्स डिपेंड्स ऑन समथिंग अननेचुरल और समथिंग दैट यू कैन नॉट अकाउंट, दैट यू कैन नॉट यू बेसिकली फाइंड आउट, ठीक है, बाय योरसेल्फ. वो होता है, हमें पता नहीं चलता. सो ये चीजों
पे मेरा डिसीजन डिपेंडेंट है, बट ये मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। तो मैं फाइंड आउट कर क्या सकता हूँ? रिलेटिव प्रोबेबिलिटी। और ये रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बेसिकली ग्राफ थियोरी से होती है। ग्राफ थियोरी सबने पढ़ा है ना, सबको याद होगा कि बेसिकली ग्राफ, कोसेट, लेटस, लेटाइस, सब सुना है ना आप लोगों ने? याद है थोड़ा थोड़ा, या मेरे को एक सेशन उस पर थोड़ा बेसिक करना पड़ेगा फिर? बोलो यार, चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। सेम थ्री में था या सेम फोर में था? ऐसा कुछ आप लोगों ने पढ़ा था। When I say one is connected to one itself, that means वो खुद के ही probability पे depend करता है। हालांकि यहाँ पे उतना वो नहीं आने वाला है, उसको हम लोग साइड में छोड़ देते हैं। One is connected to two. What does that mean? ये two depend करता है one के ऊपर, right? जैसे ये rain depend करता है humidity के ऊपर, clear? So ये जो graphical analysis है, इसमें आप लोगों ने बहुत सारे type के flows पढ़े थे। If I say, याद दिलाता हूँ, कुछ transitive relation, equivalence relation, words याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes sir. Asymmetric, yes. If one is connected to two, two is connected to three, then in a way I can say that one is connected to three. Why? Obviously two, but ultimately मैं बोल सकता हूँ हाँ ये एक relation बन रहा है. That way, humidity is connected to rain, rain is connected to the match, whether the cricket will be played or no. So there is a kind of direct relation, kind of direct relation which we call as indirect relation. Ye statement yaad rakhna, ye aage bahut kaam aane wala hai. There is a kind of direct relation which is an indirect relation. So graphical model, graphical analysis bhi isme zaruri hoti hai probability ko find out karne ke liye. Ab ye sab jo bhi cheeze main bata raha hu na, probability mein bataunga wo kya hota hai. Model, model means what? A complete set of system. बोलते ना mathematical model या ऐसी चीज, जब भी आप मान लो जैसे आप लोग एक particular company आपने join की और आपके पास client आया with certain problems, and the client is saying कि see these are the problems that we are facing, ठीक है, ये problems हम लोग face कर रहे हैं, मुझे इसको maximize, अपने sale को maximize करना है, तो मैं क्या करूँ, आप मुझे solution दो। हम चलो इसके लिए भी एक छोटा सा example ले लेते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको सिर्फ बता दिया ना, ये model है, इन सब में प्रोबेबिलिटी है, कितना ह्यूमिडिटी होगा तो ये होगा, ग्राफ ये वाला नॉलेज, डायरेक्ट रिलेशन, सब पूरा का पूरा सेट रेडी होएगा पीजीएम से। चलो दूसरा एग्जांपल जो अभी मैं ले रहा था, मान लीजिए आपके पास एक क्लाइंट आया और वो क्लाइंट है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग वाले इंजीनियर हो आप, ठीक है, आपने मशीन लर्निंग सीखा हुआ है, आप सिस्टम डिजाइन करना चाहते हो, जानते हो रोबोटिक सिस्टम जो एक पर्टिकुलर सिचुएशन के इश्यूज को एनालाइज करके आपको डिसीजन दे, ठीक है, यहाँ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं हो रही है, प्रॉपर एनालिसिस रीजनिंग की बात हो रही है। सो यू गेट अ क्लाइंट, ठीक है, वो क्लाइंट है आपका रेस्टोरेंट ओनर, ठीक है, एक रेस्टोरेंट है बड़ा सा, ठीक है, और क्या हुआ कि उनका सेल अच्छा खासा होता था, लेकिन अचानक से उनका सेल बढ़ गया, ठीक है, उनका अचानक से सेल बढ़ गया, अच्छी कमाई होने लगी, दे वर हैप्पी बिकॉज देवर नो प्रॉब्लम, सेल एकदम परफेक्ट चल रहा, अचानक से सेल ड्रॉप हो गया। अब उनको समझ नहीं आ रही कि सेल ड्रॉप कैसे हुआ। अब आप खुद ही सोचो, जैसे अगर आप सपोज 1 लाख रुपीज अ मंथ कमाते हो, अचानक से आप 20,000 कमाने लगे, आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? सो वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है रेस्टोरेंट ओनर, ही कम्स टू मी एंड सेज, अच्छा यू आर मशीन लर्निंग इंजीनियर, ठीक है, कैन यू प्लीज डिजाइन समथिंग फॉर मी फॉर माई बिजनेस, कि मेरा क्या हो रहा है, सेल ऊपर जाता है नीचे जाता है समझ नहीं आता, देन आई विल सिट फॉर हिज प्रॉब्लम्स, पहले उसकी प्रॉब्लम को एनालाइज करूंगा। अब उसके प्रॉब्लम में क्या है, सबसे अच्छी बात है कि बीच में उसका सेल्स बढ़ा था, तो सेल्स बढ़ने का कोई रीजन होगा, आई नीड टू फाइंड दैट रीजन। अब मान लो मैंने उसमें पता किया, सुनते जाना बहुत ध्यान से, बहुत ऐसे रैंडम एग्जांपल उठाया लेकिन बहुत काम की चीज है। मैंने सोचा कि इसका सेल बढ़ा, क्या बढ़ा, क्यों, उसका रीजन पता करता हूँ। वो रीजन जब मैं पता करने गया तो मुझे पता चला कि इन्होंने बीच में एक नई डिश लॉन्च करी थी, ठीक है, एक नया कुक हायर किया था, उसने एक बहुत अच्छी डिश लॉन्च करी जिसको खाने के लिए लोग, ठीक है,
ये मुझे पता चला, बाकी रेस्टोरेंट में और कोई डिफरेंस नहीं था। तो आपको क्या लगता है, इज दिस अ सफिशियंट रीजन फॉर सेल टू ग्रो? क्या बोलते हो, हाँ या ना में बोलो, खाली अनम्यूट करना है और हाँ या ना बोलना है बस। क्या ये रीजन है? सर वन ऑफ द रीजंस, वन ऑफ द रीजंस, ओके ठीक है, चलो डिप्लोमेटिक आंसर हुआ बट करेक्ट आंसर है। अब ध्यान से देखना, देखो जो आपने आंसर भी दिया ना, ये भी आप प्रोबेबिलिटी के बेस पे आंसर दे रहे हो। आप बोल सकते थे ना हाँ, बट यू आर नॉट श्योर बिकॉज दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस, सो यू हैव 50-50% ओपिनियन अबाउट इट, प्रोबेबिलिटी, समझ रहे हो। चलो अब मैं आपको एक सिचुएशन और बता देता हूं। मुझे भी ऐसा लगा कि वो जो डिश लॉन्च किया ना, उसकी वजह से उसका सेल बढ़ गया है। फिर मुझे पता चला कि यार वो जो रेस्टोरेंट है ना, वो जिस जगह पे है उसी के आसपास एक्चुअली एक बहुत बड़ा ओलंपिक काइंड ऑफ गेम ये हुआ था, या आप समझ लो कॉमनवेल्थ गेम ये हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था, एंड इट वॉज अ 20-day इवेंट और से 30-day इवेंट। वो 30-day इवेंट में ही उसका सेल बढ़ा, आप समझ रहे हो। या आप समझ लो कोई एक पर्टिकुलर जगह पे था वो रेस्टोरेंट, जहां पर उस टाइम पे टूरिस्ट इनफ्लो ज्यादा होता है, ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, या वो ऐसा पर्टिकुलर मंथ था, ध्यान से सुनो कितने कितने रीजंस दे रहा हूं, ऐसा पर्टिकुलर मंथ था जिसमें बारिश बहुत कम होती है। आप जैसे जानते होंगे बारिश में आप भी निकलना उतना ज्यादा बाहर पसंद नहीं करते होंगे, मतलब आपका यंग हो, हम लोग यंग है, आप लोग मतलब मैं भी, हम लोग यंग है तो कम हम लोग पसंद करते हैं, हाँ चलो घूम के आते हैं, बट सबको नहीं अच्छा लगता यार बारिश में कीचड़ में कौन जाएगा। सो एकदम बोलते ना अच्छा मौसम रहता है, ऐसी कोई कंट्री है जहां पर बहुत बारिश होती है लेकिन उस टाइम बारिश नहीं हो रही है, तो लोग बाहर निकल रहे हैं और खाने जा रहे हैं, ये भी रीजंस हो सकते हैं। सो ये सारे कनेक्शंस को मिलाकर मुझे एक मॉडल बनाना होगा, ठीक है। अब इसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, आप समझ रहे हो कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, व्हाट इज द चांस ऑफ सेल इंक्रीज बिकॉज ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेल इंक्रीज बिकॉज ऑफ न्यू डिश बीइंग लॉन्च्ड, दीज आर प्रोबेबिलिटीज। ग्राफ, व्हाट इज कनेक्टेड टू व्हाट, राइट, सीजन इज कनेक्टेड टू दैट सेल, और नंबर ऑफ, और बेसिकली कॉमनवेल्थ टूरिस्ट, नंबर ऑफ टूरिस्ट इज कनेक्टेड टू दिस, और न्यू डिश लॉन्च्ड इज कनेक्टेड टू दिस, दैट्स ग्राफ मॉडल। आई हैव टू गिव हिम सॉल्यूशन, आई हैव टू ड्रॉ समथिंग, सम कॉम्प्लेक्स सिस्टम लाइक दिस व्हिच विल गिव मी डिसीजन बेस्ड ऑन ऑल द फैक्टर्स इन्वॉल्वड, एंड दैट कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ फैक्टर्स टू डिसाइड अ पर्टिकुलर थिंग। अब आप बोलोगे ये आप पता करके क्या करोगे, ये जो चीजें आप कर रहे हो इससे तो आप सिर्फ रीजन पता कर रहे हो, नहीं, इसी चेन को आगे बढ़ा के हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एक फैक्टर है जो सबको ओवर पावर कर रहा है, हर एक चीजों को ओवर पावर कर रहा है, कौन सा एक फैक्टर है जिसको मैं सिस्टम से निकाल ही नहीं सकता। जैसे हो गया सीजन, तो अगर मुझे पता चलता है इस डिजाइन में कि वो सीजन बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट के लिए मायने रखता है, तो मैं क्या करूंगा उस सीजन में इतने सारे ऑफर्स लॉन्च करूंगा कि मेरा सेल उस पर्टिकुलर सीजन में, मान लो वो 3 महीने का सीजन है, वो 3 महीने में बहुत अच्छा प्रोडक्टिव आउटपुट दे मुझे, गेटिंग इट। सो हो सकता है कि 3 महीने में 12 महीने का मेरा पूरा कॉस्ट निकल आए। सो ऐसी चीजों को फाइंड आउट करना, ये सब मशीन लर्निंग से होता है, क्लियर। सो ये था थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब इसके अंदर आप लोग पढ़ने क्या वाले हो वो भी चलो देख लेते हैं, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके एक बार सिलेबस दिखाता हूं। I hope this is visible to all. Yes, sir. You can even scroll down here, right? See, this particular subject basically involves 3 credit points, हाँ? तो ये इलेक्टिव में 3 credit points आपको मिलेगा, और ऑब्वियसली आगे के जो इलेक्टिव्स है और आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा वो इस पर डिपेंड कर सकता है।
जितना ज्यादा आपका प्रोजेक्ट इलेक्टिव्स पे डिपेंड करेगा उतना अच्छा आपके इंजीनियरिंग के स्कोर को माना जाता है, ठीक है, बाय द रिक्रूटर्स, ठीक है। सो अगर आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना चाहते हो एंड यू हैव सिलेक्टेड दिस इलेक्टिव, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बूस्ट योर रिज्यूमे, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट वाला मॉड्यूल देखो, आप फर्स्ट वाला मॉड्यूल है क्लियर कट इंट्रोडक्शन टू पीजीएम। अब इंट्रोडक्शन के अंदर क्या है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा आवाज यहां तक आ गई, पहला इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी थ्योरी। इसमें आप देख लो, आपने जो पुराने पास में चीजें पढ़ी हुई है ना, वही बेसिक्स है जो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। इट वोंट टेक मच टाइम, आई नो इट। फिर ग्राफ्स, नोड्स, एजेस, 1.2 देखो, ये ग्राफ से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको ग्राफ याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको बताऊंगा ही। सो 1.1 में वो चीज पढ़ोगे, 1.2 में ये, 1.3 इट विल बी बेसिकली एक्चुअल पीजीएम कॉन्सेप्ट। PGM में आप यही तीन चीजें पढ़ने वाले हो जो आगे लिखा है, 1.3 की बात कर रहा हूं। 1.3 में देखो, बेजियन नेटवर्क, मार्कोव मॉडल एंड हिडन मार्कोव मॉडल, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बेसिकली दे आर 90% ऑफ द सिलेबस, आई कैन से दैट। बेसिकली यहाँ पे ना ये जो मैंने कनेक्शन बनाया था ना, विंड, अभी आपको स्क्रीन मेरा छोटा दिख रहा होगा बट फिर भी सोचो, wind is connected to rain, suppose I connected like this, just like this, और मैंने arrow नहीं बनाया, arrow का मतलब क्या हो जाता है, implication, wind implies rain, but suppose ये दो लोगों के बीच का कोई discussion है, they are arguing on something, ठीक है, कोई एक particular debate कर रहे हैं, तो उसमें कौन सही है कौन गलत है मुझे पता नहीं, so I cannot say that these two persons A and B they are implying each other. Double implication or implication, I cannot say that because it completely depends on your debate. कि कौन सही direction में जा रहा है, कौन गलत direction में जा रहा है, कौन किसी को बोलते ना किसी की बात को काट रहा है या accept कर रहा है, वो मुझे पता नहीं। So that's just a chain. It's not a directed graph. It's undirected graph. So basically इससे दो particular type के network या types बनते हैं modeling के। एक होता है Bayesian network, मैं ये अभी बता देता हूँ, ये सुन लो। Bayesian network is directed network, directed, ये इस पे डिपेंड करता है। एंड मार्कोव नेटवर्क और बेसिकली मार्कोव मॉडल भी बोलते हैं, इट इज अनडायरेक्टेड। फिर एक आता है हिडन मार्कोव मॉडल, वो क्या होता है वो बताऊंगा बाद में, उसमें ट्रेल वगैरह अलग कंसेप्ट आते हैं, उसको छोड़ देते हैं। फिर सेकेंड वाला देखो आप, इसमें बेजियन नेटवर्क एंड मॉडल इंटरफेरेंस आएगा। इसके अंदर भी, अभी इसके अंदर की चीजें मैं पढ़ के आपको नहीं सुनाऊंगा क्योंकि कुछ समझ नहीं आएगा। 2.1, 2.2, 2.3, खाली 2.1 में ये देखो डायरेक्टेड ग्राफ मॉडल बोला है। तो समझ गया ना जो मैंने आपको बताया, डायरेक्टेड, वन इंप्लाइज द अदर, ये वो वाला है। इसको टोटल 10 आवर्स अलॉटेड है, विच इज मैक्सिमम। आपको याद है ना, अभी इसके पहले मैंने दिखाया फर्स्ट मॉड्यूल, इट वॉज 5 आवर्स। 5 आवर्स मतलब समझ रहे हो, उसका वेटेज 5 आवर्स का इक्विवेलेंट है, जो कम है सबसे। फिर सेकेंड वाला 10 आवर्स, थर्ड आपके सामने मार्कोव नेटवर्क दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 आवर्स, फिर हिडन मार्कोव मॉडल विच इज 6 आवर्स। सो 8 + 6 मतलब अगर मैं सिर्फ मार्कोव की बात करूं वो 14 हो गया, विच इज मोर देन बेजियन, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ वाला, लर्निंग एंड टेकिंग एक्शंस एंड डिसीजंस, ये है मेन मॉडलिंग। आप अलग अलग मॉडलिंग तो सीख लोगे, लेकिन वो मॉडलिंग किस काम का, व्हेन आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन। So, जब एक रिलायबल डिसीजन लेने की बात आती है तो आपका एक पर्टिकुलर मॉडल रेडी होना चाहिए जिसपे हम लोग एक्शंस लेंगे, ओके। सो ये आपका फिफ्थ मॉड्यूल। अब सिक्स्थ मॉड्यूल देखो, इसको मैं सिक्स्थ मॉड्यूल एप्लीकेशंस। नाउ इसका वेटेज काफी कम होता है कंपैरेटिवली, बट अगर आपको इस फील्ड में आगे जाना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। सो इसमें नॉलेज के बेसिस पे चीजें हैं, सब चीजें आपको काम आने वाली हैं आगे, ऐसी हैं। सो देखो ना, एप्लीकेशन ऑफ बेजियन नेटवर्क्स, फोरकास्टिंग करना, डिसीजन मेकिंग करना, जो मैं अभी बोल रहा था ना, कोई चीज को फोरकास्ट करना कि ये मंथ में इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का सेल क्या होगा, ये सारी चीजें अगर आपको पता करनी है तो वो बेजियन नेटवर्क्स के तहत कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ मार्कोव मॉडल्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, जो भी है वो सब देखेंगे बाद में। और हिडन मार्कोव मॉडल, उसको शॉर्टकट में HMM बोलते हैं, देखो 6.3 में दिख रहा है। तो हिडन मार्कोव मॉडल में क्या होता है, स्पीच रिकॉग्निशन, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग,
बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो आप बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो इसमें दिया है उससे समझ सकते हो कि क्या क्या एप्लीकेशन आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, सो ये था पूरा सिलेबस। मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूं। अब वेटेज, काफी लोग बोलते हैं कि पर्टिकुलर मॉडल का, मॉड्यूल का वेटेज क्या होता है, तो मैंने, आप शायद काफी लोगों को पता होगा, मैंने एक आपको थ्योरी बताई थी। टोटल नंबर्स, नंबर ऑफ आवर्स जितने अलॉटेड होते हैं ना एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, लाइक ये 40 आवर्स है सपोज, सिलेबस में आवर्स दिखा था ना आपने, वो सिलेबस में जो आवर्स लिखे हुए सपोज वो टोटल 40 आवर्स है और एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का आवर्स है 4, आने वाला है 80 मार्क्स का। तो ये अगर आप रूल अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा वो कितने मार्क्स का टॉपिक आएगा, कितने का आएगा, 4 2 8 मार्क्स, समझ गए। तो अगर मैं 80 मार्क्स का पेपर बोल रहा हूं, एक्चुअली तो 120 होता है ना विद ऑप्शन, पर मैं 80 मान के चल रहा हूं ऐसे, अगर 80 मैंने डाला, 40 आवर्स टोटल टीचिंग आवर्स है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, देन 80 डिवाइडेड बाय 40 whatever you get multiplied with the number of hours allotted to that particular topic, that will give you total weightage. So aap abhi ke abhi pata kar sakte ho ki kaun se topic se kitne marks ka question aayega. Theek hai, to chalo ye to aapse exam ki baat hui. Ab main aapko ye wale part pe leke chalta hu, probability. Yahan pe aap log do type ki probability padhne wale ho, ek to single probability jo aap log bahut time se padhte aa rahe ho, aur dusra hai joint probability. जॉइंट प्रोबेबिलिटी भी बहुत जरूरी है जो हमने कभी नहीं देखा। चलो पहले प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, बेसिक्स। ओके, चलो एक्सट्रीम पे, बेसिक पे जा रहा हूं, और ये थोड़ा जिनको बिल्कुल अच्छे से आता है थोड़ा सा बोर होगा, लेकिन फिर भी चीजें जो जरूरी है वो करना तो पड़ेगा ही। सो व्हाट इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? इट इज नथिंग बट नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटीज, यही होता है ना। इफ आई हैव अ सिचुएशन इन विच आई नो व्हाट आर द टोटल पॉसिबिलिटीज, क्या क्या हो सकता है वो मुझे पता है, बट उसमें से मुझे एक स्पेसिफिक केस चाहिए, स्पेसिफिक केसेस चाहिए कुछ आउट ऑफ दोज ऑल फेवरेबल केसेस, देन दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। सो प्रोबेबिलिटी का सिंपल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि इफ यू वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, ठीक है, पहले इवेंट बता देता हूं, इवेंट क्या होता है, ए इज बेसिकली माय इवेंट, इवेंट मतलब होता है फेवरेबल केस, ठीक है, एस इज बेसिकली सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब होता है ऑल द पॉसिबिलिटीज, लाइक इफ आई थ्रो अ डाइस, सो देयर आर टोटल पॉसिबिलिटीज ऑफ 6 नंबर्स, 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5 या 6 आएगा, बट अगर मैं आपको बोलता हूँ नहीं मुझे चाहिए सिर्फ इवन नंबर्स, तो आपके फेवरेबल केसेस क्या हुए आउट ऑफ ऑल दीज, 2, 4 एंड 6, सो दैट इज योर इवेंट, ठीक है। अब इवेंट ध्यान से सुना, फेवरेबल केसेस मतलब ये नहीं कि इवेंट में हमेशा वही होगा, जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वही इवेंट हुआ ना, जो आपको नहीं चाहिए वो इवेंट का हुआ, समझ रहे हो, इसमें दो मीनिंग है, इवेंट मतलब जो चीज हो रही है। अब यहां मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोबेबिलिटी में जो चीज हो रही है उसको इवेंट नहीं बोला जाता, प्रोबेबिलिटी में जो मुझे चाहिए कि हो वो इवेंट है मेरे लिए, ठीक है, मुझे वो पसंद है तो मैं वो देखने जाऊंगा मूवी, नहीं पसंद है तो मैं क्यों जाऊं, ऐसी बात हो गई। सो प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट number of possibilities in favorable cases divided by number of possibilities in total cases. Here there are few things. अच्छा ये visible नहीं है क्या, एक मिनट, अब कुछ चीजें इसके rules जो आपको मालूम होनी चाहिए, n of a और n of s, इसमें एक ऐसा रिश्ता है जो फिक्स है, जो कभी चेंज नहीं होगा, वो रिश्ता ये, दिस कैन बी और दिस हैज टू बी लेस देन नंबर ऑफ स्पेस और इट कैन मैक्सिमम बी इक्विवेलेंट टू दिस, लॉजिक समझ रहे हो, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, जो जो भी यहां पे इवेंट हो रहे हैं
वो हमेशा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से कम होने चाहिए। जैसे मैंने डाइस की बात की तो उस पे आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। कैन आई एक्सपेक्ट 7 एज एन आउटकम, 10 एज एन आउटकम? नो, एकदम इमटेरियल हो गया, बोलते हैं इलॉजिकल चीज हो गई। सो जो टोटल पॉसिबिलिटीज होती है उसी के अंदर जो फेवरेबल केसेस है उसे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो वो हमेशा इससे कम होता है। क्लियर है? मुझे 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, या मुझे 6 से कम नंबर्स चाहिए, तो क्या क्या नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5। दिस इज स्टिल लेस देन द टोटल पॉसिबिलिटीज। अब एक काम करते हैं, ध्यान से सुनो, इसको मैं एन ऑफ एस से डिवाइड कर देता हूं। तो एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस विल बी व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 1। इसको एन ऑफ एस से डिवाइड किया, इसको भी, तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। हमें क्या समझ में आया, प्रोबेबिलिटी is always less than or equal to 1, और क्यों होता है वो आपके सामने, ठीक है। अब एक और चीज इसी के अंदर, क्या फेवरेबल केस नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता ना यार, डाइस फेंका मैं और मेरे को उसमें माइनस 2 चाहिए, नेगेटिव फेवरेबल केस हो सकता है क्या? नहीं। मतलब ये क्या हो सकता है, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 0, 0 के इक्वल हो सकता है या उससे ज्यादा, या तो कोई भी आपका फेवरेबल केस नहीं होगा, मुझे कोई नंबर नहीं चाहिए, या फिर कोई ना कोई एक नंबर होगा उसमें से। अब अगर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ एन ऑफ एस से तो मुझे क्या मिलेगा, इसको भी डिवाइड करो, 0 अपॉन एनीथिंग 0। नाउ व्हाट इज दिस फॉर्मूला, दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? सो मुझे यहाँ पे क्या समझ में आया, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये बोल रहा है प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मींस प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ऑलवेज। ओके, कुछ सिचुएशंस इस सब्जेक्ट के अंदर ऐसे आएंगे जिसमें कोर बेसिक यूज होगा, कोर बेसिक यानी ये सारी चीजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूँ, ये हमने सब्जेक्ट चालू कर दिया ऐसा समझो। So this is something that everybody is aware, right? But if someone says prove this, you cannot. हो सकता है आप जानते भी हो, पर काफी लोगों को नहीं याद रहता है कि ये कैसे आया। तो याद रखना ये तरीका है। Okay. So ये rule मेरे को समझ में आ गया। Now complement event ये समझते हैं जरा। एक ऐसा event जो मेरे favorable event का opposite हो, उसको कॉम्प्लीमेंट इवेंट बोलते हैं। मतलब मुझे अगर डाइस के रोल करने में मुझे इवन नंबर्स चाहिए तो इसका उल्टा क्या होगा, ऑड नंबर्स। क्या मैं बोलता हूं मुझे नंबर्स लेस देन 2 चाहिए तो इसका उल्टा क्या होगा, नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ध्यान देना, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर नहीं तो 2 रह जाएगा, नहीं तो बीच में। सो इसका रूल ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार शुड ऑलवेज बी 1। Or I can say probability of A bar is nothing but 1 minus probability of A. Now suppose if somebody says prove this. So can you prove this? Yeh visible nahi hai na niche. Isko main side mein likh deta hu. तो अगर मुझे कोई बोल रहा है किसी एक इवेंट के होने का चांस है 4/7, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट नॉट हैपनिंग, इट विल बी 1 - 4/7, दैट्स 3/7, समथिंग दैट एवरीबॉडी इज अवेयर। नाउ इफ आई आस्क यू टू प्रूव दिस, कैन यू प्रूव कर सकते हो इसको? तो यार किसी बात है तो लिखना नहीं है, लिखने का टाइम दूंगा मैं। नो, ओके सर, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए, यस। सी, इसका प्रूफ यहां लिख रहा हूं मैं। अगर आपको आपको पता करना है नंबर ऑफ नॉन फेवरेबल केसेस,
ठीक है, ध्यान देना. नंबर ऑफ नंबर ऑफ ए मतलब फेवरेबल नंबर्स, फेवरेबल केसेस का काउंट. तो नॉन फेवरेबल केसेस का काउंट क्या होगा? एक डाइस थ्रो किया आपने, मैं बोलता हूं मुझे दो से छोटे वाले नंबर्स चाहिए, यानी वन. तो उसका उल्टा क्या होगा? दो या दो से बड़े. तो इसका काउंट कितना हुआ? दो तीन चार पांच छह, टोटल फाइव काउंट हुआ. सो दिस इज ऑलवेज एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए. नाउ लेट्स डू वन थिंग, डिवाइड बाय एन ऑफ एस. तो ये हो जाएगा एन ऑफ ए बार अपॉन एन ऑफ एस. एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ एस विल बी वन. Now what is this? Probability of A bar is always equal to 1 minus, what is this formula? Probability of A. N of A upon N of S ये होता है. तो A bar वाले के लिए क्या होएगा? A की जगह A bar लिखा तो probability of A bar होगा. हो गया proof. ठीक है? You must be wondering ये proof आएगा क्या exam में? नहीं, exam में नहीं आएगा. लेकिन कुछ modeling के questions ऐसे आते हैं जिसमें आपको ये core concept use करना पड़ेगा. ये तो सबको पता है. लेकिन कभी मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये बोल दूंगा तो आप थोड़ा सोचने लगोगे यार ये क्या है. सो इसके लिए ये बेसिक्स आपको मालूम होना जरूरी है. अब बताता हूं सबसे मेन पार्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. सच कहूं ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या एक कंप्यूटर ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी का बोलते हैं ना हार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये वाला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. और नाम से ही आप समझ रहे हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है. कोई चीज की होने की प्रोबेबिलिटी, उसके चांसेस बेस्ड ऑन समथिंग एल्स, राइट. सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो होती है. अब इसको दिखाते हैं कैसे. इसका एकदम बेसिक बता रहा हूं, बाद में इसको हम लोग इसको और कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में भी सीखेंगे आगे. इफ आई वांट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, then you know how to find it. A का probability निकालने के लिए ये वाला formula use करते हैं. लेकिन if somebody says what is the probability of A given B has already occurred, मतलब B एक ऐसा event है जो हो चुका है, तो A होने का chance क्या है? समझ रहे हो? Simple और एकदम गरीब example देता हूँ आपको. What is the probability of you clearing semester 4? Result आया कि नहीं पता नहीं मुझे अभी. Clearing semester 4 provided you have attempted all the papers. समझ रहे हो? मैंने बोला ना, पहले ही बोला मैंने, गरीब एग्जांपल दे रहा हूं एकदम. अब आपने अटेम्प्ट किया होगा, हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं करी होगी, आप फेल हो जाओगे उसमें, हो सकता है. बट एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस आ जाता है कि हाँ आपने सारे पेपर्स अटेम्प्ट किए, आप बीमार तो नहीं थे. अटेम्प्ट किया है तो क्या है चांसेस? सो ऑटोमेटिकली मेरे मन में जीरो फिगर नहीं होगा, जीरो प्रोबेबिलिटी, जीरो वैल्यू, थोड़ा सा तो वैल्यू होगा, हाँ शायद पास हो. इसी को और ज्यादा अगर मुझे बूस्ट करना है तो मैं बोलूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्लियरिंग सेमेस्टर 4 प्रोवाइडेड इन ईच ऑफ द पेपर्स यू हैव अटेम्प्टेड फुल 80 मार्क्स, पूरा अटेम्प्ट किया है. और ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ गई. अब मैं बोलता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू क्लियरिंग सेमेस्टर 4 गिवन दैट इन ऑल द पेपर्स you have already you have checked that you are already getting 40 above marks out of 80. ekdam bolte na probability aapka 1 pe pahunch gaya hai 100% ke aas pass, kyunki aapko pata hai ki aapko 40 mark aayega. So ye hai conditional probability jo vary hoti hai depending on the factor. Kis factor pe depend kar raha hai ye? Maine bahut simple wala example isliye diya kyunki aap iska answer mujhe kar sako. Aap batao zara mujhe ye jo main aapke samne event rakha, इसमें एक चीज कांस्टेंट थी क्या? ए. सेमेस्टर 4 क्लियर करने की बात कर रहा था. डिपेंड किस पे हो रहा है सारा काम? बी पे, है ना. सो बी वाला इवेंट क्या था? पहले मैंने उसको तीन बार चेंज किया. पहले कि आपने अटेम्प्ट किया है, फिर आपने अटेम्प्ट किया है और फुल अटेम्प्ट किया है. फिर मैंने उस चीज को चेंज किया कि आपने अटेम्प्ट किया है और आपको पता है कि 40 मार्क आपको आएगा ही. सो जैसे जैसे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बढ़ रहा है. सो इसका एक फॉर्मूला होता है. सो आई विल राइट दैट फॉर्मूला. इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. कुछ लिखना मत, रुक जाओ. ये होता है सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 सब जगह आपने ऐसा पढ़ा है. अब मैं नोटेशन सिर्फ चेंज कर रहा हूं. नोटेशन में क्या चेंज कर रहा हूं पता है? ये एंड नोटेशन अब हम लोग यूज नहीं करेंगे.
हम लोग यूज करेंगे कॉमा। ये नोटेशन प्लीज ध्यान में रखते जाना, क्योंकि आगे पूरे टॉपिक में यही नोटेशन यूज होगा, ठीक है। यूजुअली ए और बी भी यूज नहीं करते, मैं अभी चेंज कर देता हूँ। यूजुअली जब आप आगे बढ़ोगे ना तो एक्स और वाई नोटेशन यूज होता है, तो लेट मी डू दैट, मैं भी वही करता हूँ, ठीक है। ठीक है, सही हो गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया इन दोनों का कंबाइंड प्रोबेबिलिटी अपॉन ये। अब इसके कुछ वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, आगे के लेक्चर में वो वर्ड यूज करूंगा, आज नहीं मतलब आगे बैच में। ये होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी और ये होता है, इसको पता है कोई बता सकता है क्या है? ये नहीं जानते होंगे, जाने दफा बोल देता हूं। दिस इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। देखो जब दो इवेंट की बात होती है, ये वर्ड ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। वन सेकंड, एक मिनट पेन में दूसरा चेंज करता हूं, रुको। यार ये मिली नहीं, एक मिनट, चलो एनीवेज, ओके। अगर मुझे ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ध्यान देना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो प्रोबेबिलिटीज यूज हो रहे हैं, यानी दो इवेंट्स यूज हो रहे हैं। एक है इवेंट एक्स, दूसरा है इवेंट वाई। जब भी दोनों के कंबाइंड की बात होती है तो उसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, और अगर किसी एक की बात होगी तो उसको हम लोग मार्जिनल बोलेंगे। आपके क्लियर होने का चांस जो भी हो, आपके अटेम्प्ट करने का चांस कुछ और होगा, राइट? यानी प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब यहां से एक चीज मुझे समझ में आ रहा है, व्हाट विल बी द जॉइंट प्रोबेबिलिटी एक्स और वाई का? ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी सिलेबस में आपने देखा था ना, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, थोड़ा थोड़ा हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दिस विल बी नथिंग बट दिस इंटू दिस, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। ये वाला ये फॉर्मूला काफी काम आएगा आगे। अब इसमें मैं कंडीशन डाल देता हूं या स्पेशल केस, व्हाट इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट। टेन थ्री में था, देखते सबको पता है कि नहीं। एक्स और वाई दो ऐसे इवेंट है जो एक दूसरे पे डिपेंड ही नहीं करते। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, दैट इट इज रेनिंग टुडे इन मुंबई, और दूसरा इवेंट मैं ले लेता हूं, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज जो बाइडेन। इज इट रिलेटेड? कोई भी रिलेशन है दोनों के बीच में कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बाइडेन होने का क्या चांस है? अंडरस्टैंड, ऐसा मान लेते हैं कि इलेक्शन चल रहा है उधर, ठीक है। ऐसे कोई और एग्जांपल नहीं मिल रहा था तो इसलिए ऐसे बोल दिया, वो और मुंबई में बारिश होने का। तो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट केसेस है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड ही नहीं करते। तो इसमें एक चीज है जो आपको मालूम होनी चाहिए, बता सकते हो क्या एक चीज है जो इंडिपेंडेंट में हमेशा फिक्स होता है? नो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू जीरो। नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए इंटरसेक्शन बी, हाँ, नल रहेगा। तब ये यस, हाँ, कॉमन नहीं रहेगा ना, तो नल हो जाएगा। आर यू श्योर? Yes. यही तो मेन लॉजिक है। सोच लो एक बार, सोच लो, थोड़ा टाइम ले लो, सोच लो। ए एंड बी में हमेशा पक्का वही होगा, एंड को मैं ऐसा कॉमन कर रहा हूं। बताओ यार, गेट वाले भी है ना इसमें, कुछ गेट वाले भी लग रहे मुझे। सर वो एडिटिव होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। नो, नहीं,
अच्छा सुनो ना, मैं ऐसे बोलता हूँ आपको, दो इवेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, और मैं बोल रहा हूं दोनों के होने का चांस क्या है। तो अगर मान लो कोई एक इवेंट का चांस है 0.8, दूसरे का है 0.6, अब आप दोनों को ऐड करो, जरा ध्यान से सुनो, मैं आपका जवाब दे रहा हूं, क्योंकि काफी एक जगह पे वो एडिटिव कंसेप्ट आता है, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इसके लिए। सो 0.8 और पॉइंट, दूसरा मैंने क्या एग्जाम्पल दिया, 0.6, 0.8 और 0.6 को ऐड करो जरा, 1.4, इज दैट अ रिलायबल प्रोबेबिलिटी? नो, प्रोबेबिलिटी हैज टू लाई बिटवीन 0 एंड 1, सो एडिटिव नहीं होगा। चलो अब मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम बता दूं, इट इज दिस, द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज, सो 0.8 इनटू 0.6 करो, अभी आपका आंसर होगा 0.48, समझ आया? कहीं ना कहीं जब दोनों के जॉइंट प्रोबेबिलिटी, दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की निकालते हो ना, तो वो हमेशा दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज के कहीं ना कहीं बीच में होता है, यूजुअली एक्स के होने की और वाई के होने की जो चांसेस होते हैं उसके बीच में आता है, बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ देम। ओके, नाउ इफ आई यूज दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर, सपोज यहां पर बोलता हूं मैं, तो इस केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ध्यान से देखना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक्स अपॉन वाई का मैंने क्या बोला, ये होता है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन पी ऑफ वाई, राइट, यही होता है। ये स्क्रीन पे थोड़ा दिख नहीं रहा ना, एक मिनट में इसको, अब दिखेगा। अब एक्स एंड वाई का क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कर लो, कैंसल आउट हो गया, क्या बचा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, क्या बात आपको इसमें से समझ में आई अभी? अगर आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का निकालते हो, ध्यान देना इंडिपेंडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इटसेल्फ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में काफी लोगों को ये जब इंग्लिश में जब बातें होती है ना तो समझ में नहीं आता बहुत ज्यादा, बहुत आसान से मैं लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। इंडिपेंडेंट का मतलब ही हो गया कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता ही नहीं है। सो वॉट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन इन मुंबई if the president elected in USA is Joe Biden? कोई relation ही नहीं है, तो जो मुंबई में rain होने का chance है वही मेरी probability होगी, simple, clear है concept? Yes sir. अब इसी चीज को उल्टा करके भी आप समझ सकते हो, y upon x, y इधर x आ जाएगा, and similar way you will understand that probability of y upon x will be probability of y. ठीक है, so conditional probability हमेशा प्रोबेबिलिटी में, हमेशा जो गेट भी कर रहे हैं ना उनको भी बोलूंगा मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी आप पढ़ते हो ना तो उसमें हमेशा एक चीज मेक श्योर करना कि इवेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है या नहीं, क्योंकि उसी से पूरा क्वेश्चन का गेम बदल जाता है। ठीक है, तो आप पहले इसे कॉपी कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं, और भी कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज करेंगे। आज फर्स्ट सेशन है तो मैं बहुत ज्यादा आपको डिटेल में नहीं ले जाऊंगा और एक्सटेंड नहीं करूंगा, बट कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आज बताना जरूरी है, तो एक बार फटाफट कॉपी कर लो। Are we done with this? Yes, sir. All right. So the left side तो सब हो गया होगा, ये बड़ा देखो पहले। चलो यहाँ पर तो आपने गेट में भी शायद किया होगा और सेम फोर में तो किया ही था, सेम थ्री या सेम फोर में, ये तो चीजें काफी लोगों को पता ही है। अब इसको हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं थोड़ा, जो पीजीएम में काम आएगा। सो ये मिटाने से अच्छा है मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूं, ओके, सपोज आई हैव थ्री इवेंट्स, एक्स वाई एंड जेड, दीज आर माय इवेंट्स। ओके, मतलब सपोज आई वॉन्ट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, कॉमा इज बेसिकली इंटरसेक्शन, ओके, एंड की बात कर रहा हूं। सो प्रोबेबिलिटी आपको इसका चाहिए, सो कैसे निकालोगे, ये आपने पढ़ा है अभी तक,
शायद नहीं पढ़ा होगा। सो ये क्या होता है, गेट में शायद किया होगा, किसी को पता है? नो, ओके, कोई बात नहीं। ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कंडीशन ऑन वाई एंड जेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई कंडीशनल विद जेड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड। मीनिंग समझ रहे हो? द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, मैं कनेक्ट करता हूं जरा इसको, आपको एक जो एग्जाम्पल दिया था, बाइंग टिकट, क्रिकेट बीइंग प्लेड, प्लेइंग क्रिकेट, और उसका जो रेन के ऊपर फर्क था, ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। सो ये इस पर डिपेंड करता था कि क्रिकेट होगा या नहीं, और इस पर डिपेंड हो रहा था कि मैं क्रिकेट टिकट लूंगा या नहीं। सो आप इसको समझो इवेंट एक्स, इसको इवेंट वाई, इसको इवेंट जेड। अल्टीमेटली अगर कोई मुझे बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस बंदे ने टिकट, जो काउंटर पे खड़ा था, वो बंदा टिकट खरीद रहा है, रेस्टोरेंट का एग्जांपल हो तो कस्टमर आ रहा है, समझ रहे हो? अगर वो चीज आपको रीजनिंग करनी है उस पे, तो वो रीजनिंग मैथमेटिकली कैसे होती है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे। दिस माइट हैव सर्टेन प्रोबेबिलिटी, रेन होने का एक स्पेसिफिक चांस होगा, कुछ भी हो सकता है वो। क्रिकेट होगा कि नहीं होगा उसका कोई चांस होगा, 0.5 समझ लो, 0.5, 50-50 चांस, मेरा टिकट खरीदने का कोई एक चांस होगा। सो इफ आई वॉन्ट टू नो द टोटल कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, देन दैट इज इवेल्युएटेड बाय दिस। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो जरा डीपली है, ये अभी आपको बहुत ज्यादा समझ नहीं आया तो भी कोई टेंशन नहीं है, आगे जब हम लोग इसको अल्गोरिदम से कनेक्ट करेंगे ना, थोड़ा आपको कंप्यूटर ब्रांच का फील आएगा पूरा उसमें, फिर वो जब हम लोग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा था। अभी सुपरफिशियल लेवल पे समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डिपेंडिंग ऑन वाई एंड जेड, मतलब एक्स हो रहा है उससे वाई एंड जेड हो चुका है ऐसा, उसका क्या चांसेस है। तो मैंने इसको उल्टा लिख लिया, ऐसा होगा एक्स वाई एंड जेड, क्योंकि अल्टीमेटली डिसीजन एक्स पे आ रहा है, तो एक्स होने का चांस वाई और जेड हो चुका है, मतलब रेन का कोई इश्यू नहीं है, क्रिकेट खेला जा रहा है और मैं टिकट खरीद रहा हूं, समझ गए, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एंड जेड। अब इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई यानी क्रिकेट इज बीइंग प्लेड एंड देयर इज नो रेन, ठीक है, प्रोवाइडेड देयर इज नो रेन, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन। अगर आप ये सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर दोगे तब आपको जाकर आएगी टोटल जॉइंट प्रोबेबिलिटी। सो नाउ सपोज, जैसे मैंने रेस्टोरेंट का जो एग्जांपल दिया, वो रेस्टोरेंट में कितने सारे फैक्टर्स है, सोचो आप, सोचो ना कितने सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब इसमें एकदम एक और फैक्टर ऐड कर देता हूँ, चलो जो रॉ मटेरियल्स आप ला रहे हो चीजों को खरीदने बेचने, आई मीन बेचने के लिए, सपोज कोई नॉनवेज आइटम आप बेच रहे हो, चिकन फॉर एग्जांपल, और चिकन का प्राइस मार्केट में रॉ चिकन का बहुत ज्यादा बढ़ गया है, सो ऑब्वियसली आप उसकी जो डिशेस बनाते हो आपको उसका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। कोई एक स्पेसिफिक मसाला ले लो, उसका भाव अगर बढ़ गया आपको बढ़ाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का अगर भाव बढ़ गया, ज्यादा बिल आ रहा है, रेस्टोरेंट वाले को अपना एक्सपेंस मैनेज करने के लिए अपने डिशेस का भाव बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सो इफ देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, ध्यान से सुनना, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, से एक्स वन, एक्स टू एंड सो ऑन अप टिल एक्स एन, देन द जॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल दीज इवेंट्स इज बेसिकली गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये आपने नहीं सुना होगा अभी तक, मल्टीप्लीकेशन के लिए यूज होता है, जैसे आप एड करने के लिए समेशन यूज करते हो, राइट, यूज टू राइट आई इक्वल टू वन टू एन, वैसे ही ये होता है मल्टीप्लीकेशन के लिए। और इस मल्टीप्लीकेशन के अंदर का फैक्टर आता ही है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक इवेंट xi, now it can be anything, आप जिस चीज की भी बात कर रहे हो, suppose I'm talking about, there are 10 events, I'm talking about the fourth event, so probability of x4 conditional to all the probabilities, मतलब not only x1, but all the probabilities except, including xn-1, मतलब समझ गया, xn-1 क्यों होता है, वो बाद में आऊंगा, फिलहाल ये ध्यान में रखो, एक इवेंट आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो, इसके लिए एक इसमें से कम किया गया है, क्लियर है? सो इफ देयर आर एन नंबर ऑफ इवेंट्स लाइक दिस, देन इट इज कलेक्टिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। इसको आप सोच सकते हो ऐसे, ये एक्स वाई जेड का मैंने बताया ना,
आप एक बार मन में सोचो सिर्फ, मैं अभी बताऊंगा नहीं, उसमें जाऊंगा भी नहीं, एक्स वाई जेड और एक और एग्जाम्पल ले लो डब्ल्यू, चार का अगर निकालना हो तो ये फॉर्मूला कैसा सेट होगा, सोचना एक बार जरूर, ठीक है? सोच लोगे तो अच्छी बात है, नहीं सोच पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मैं आपको रिलेट करके बता देता हूं। x पहले ये लिखने का, अपॉन में ये जितना भी है वो, ओके, इनटू ये जो आपको नीचे दिख रहा है ना उसकी कंडीशनल प्रॉबर्टी, y का विद z, लास्ट में प्रॉबर्टी ऑफ z। चलो बता ही देता हूँ, मैं बताने से अच्छा अभी बता देता हूँ। अगर चार इवेंट है x y z w तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉबिलिटी ऑफ x अपॉन ये तीनों इवेंट, राइट, y z w इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ, अब ये तीनों का कैसे करूंगा, y अपॉन z w इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ z अपॉन w इंटू प्रॉबिलिटी ऑफ w, दिस विल बी माय फॉर्मूला, क्लियर? ये चीज मैथमेटिक्स में कैलकुलस के एक कंसेप्ट से बहुत ज्यादा मेल खा रही है, मैच हो रही है, पता है वो क्या है? भी सोच नहीं पा रहे होगे शायद, चेन रूल पढ़ा था याद है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, राइट? तो साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस टू एक्स इंटू फिर टू एक्स का वापस से डेरिवेटिव टू, याद आया? वही हो रहा है यहाँ पे, बार बार आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। सो इससे मुझे एक बात समझ में आ गई, दिस इज कॉल्ड एज, मैं लिखता हूं उसका नाम, ये जो मैं चीज आपको बता रहा हूं ना इसको बोलते हैं चेन रूल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आगे से मैं सीपी बोलूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सो चेन रूल ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये चेन रूल से ही बेसिकली बेस थ्योरम भी आया था। बेस थ्योरम याद है सबको, ये बेजियन नेटवर्क सुना ना, बेजियन नेटवर्क, वो क्या है, बेस, थॉमस बेस, उसका ही है। सो बेस थ्योरम आएगा, बेस थ्योरम पे भी हम लोग आएंगे बाद में, जब भी टाइम रहेगा उसका। तो कितना 536, ओके, आज फर्स्ट लेक्चर है तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। ये चेन रूल होता है, इसको ध्यान में रखना। सो इफ आई हैव नंबर ऑफ इवेंट्स एंड आई वांट टू फाइंड द जॉइंट प्रोबेबिलिटी, दिस इज हाउ आई कैन डू इट। व्हाट इफ यू वांट टू फाइंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, सिंपल, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड चाहिए, ये सबको डिवाइड कर दो, जैसे यहाँ पे किया था ना, ये है। अगर आपको पी ऑफ वाई चाहिए तो पी ऑफ वाई क्या होगा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी अपॉन कंडीशनल। रिमेंबर लाइक दिस, मार्जिनल इज नथिंग बट जॉइंट अपॉन कंडीशनल, सिंपल, ओके। स्पेशल केसेस इसमें क्या होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं व्हेन द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। सो जैसे मैंने आपको दो के लिए बताया, आप तीन के लिए अब आप खुद सोच सकते हो। सपोज देयर आर थ्री इवेंट्स एक्स वाई एंड जेड, ये अभी अपने काम का नहीं है इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं, खाली आपको सोचने बोल रहा हूं, बाद में सोच रहा हूं। दीज आर थ्री इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन व्हाट विल बी द जॉइंट प्रोबेबिलिटी एंड उसके बेसिस पे ये कैसे बनेगा, ठीक है, वो आगे आएगा, हम लोग उस पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अब एक काम करो, ये वाला पहले लिख लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, तब तक मैं ये मिटा भी देता हूँ। आपको रैंडम वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ, ये मेन चैप्टर से रिलेटेड है, पीजीएम से रिलेटेड है ये पूरा, दिस इज नॉट ओनली बेसिक, दिस इज समथिंग वी आर गोइंग टू यूज फ्रीक्वेंटली व्हाइल स्टडीइंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सर हाँ जी सर, वो आपने पाई वाला टर्म लिखा है ना प्रोबेबिलिटी का सेकंड, हाँ,
उसमें वो प्रोबेबिलिटी का वो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ एक्सप्लेन करो ना. वो है ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट एक्स आई, मतलब वो जो एन नंबर ऑफ इवेंट्स है ना उसमें से कोई भी एक इवेंट. जैसे मैंने बोला ना जो एक रेस्टोरेंट में जो चेंज चल रहा है, अब मुझे नहीं पता कि मेरा रेस्टोरेंट में सेल क्यों बढ़ा था, तो कोई एक फैक्टर होगा इन दैट चेन. न्यू डिश, समर वेकेशन, न्यू सीजन, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कौन सा फैक्टर है, वो फैक्टर हमने चूज किया है. मैं मतलब इससे पता कर रहा हूँ बेसिकली किसकी वजह से मेरा सेल बढ़ा है. दैट डिवाइडेड बाय ऑल द पॉसिबल अदर इवेंट्स. ठीक है. सो आप अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जनरलाइजेशन करते हो कि क्या यही रीजन है जिसकी वजह से मेरा सेल बढ़ा, वो कैलकुलेट करने के लिए चेन रूल यूज करते हैं. ठीक है. ये आगे मैं बेयसियन नेटवर्क में और अच्छे से समझाऊंगा. थैंक यू सर. वेलकम ब्रो. और सबने ये लिख लिया होगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज रैंडम वेरिएबल्स. रैंडम वेरिएबल्स ये सब भी आप लोग जानते हो ऑलरेडी. रैंडम वेरिएबल्स बेसिकली क्या होता है, इसको शॉर्टकट में हम लोग आर वी ऐसा दिखाते हैं. रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली अ वेरिएबल विच कैन टेक एनी वैल्यू विच इज पॉसिबल आउटकम, विच इज एनी वैल्यू दैट कैन टेक एनी पॉसिबल आउटकम आउट ऑफ ऑल फेवरेबल इवेंट्स. थोड़ा टफ लगा समझने में, सिंपल भाषा में बोलता हूँ. रैंडम वेरिएबल वो होता है, जैसे अगर मैंने तीन कॉइन टॉस किया, ये सबको याद होगा, ये सब आपने पढ़ा है. सपोज आई टॉस थ्री कॉइन्स, तो उसके पॉसिबिलिटीज क्या होंगे. तीन कॉइन टॉस कर रहा हूं, तीनों पे हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, यही सारे पॉसिबिलिटीज आएंगी. अब इसमें देखो क्या हो रहा है, तीनों एट अ टाइम आप एक साथ टॉस कर रहे हो, वन आफ्टर द अदर नहीं बोला मैंने, व्हेन वी टॉस थ्री कॉइंस टुगेदर. सो आपको हो सकता है किसी एक पे ही हेड आए, किसी दो पे हेड आए, तीन पे भी हेड आ सकता है, चार पे आ सकता है, क्या चांस ही नहीं है. कॉइन ही तीन है, चौथा किसी और का है, उसको वापस देना पड़ेगा. अपने पास तीन ही कॉइन. सो हमारे पास चांसेस क्या बन रहे हैं, या तो एक पे हेड आएगा, या दो पे हेड आएगा, या तीन पे हेड आएगा. And there is one more chance, एक पे भी हेड नहीं आएगा. मतलब क्या, नो हेड यानी तीनों पे टेल है. सो अगर आप तीन कॉइन टॉस करते हो ना तो पॉसिबिलिटी चार बनती है. ध्यान से काउंट करो, एक दो तीन चार. ओके, चार पॉसिबिलिटीज बनती है. इसके लिए यहाँ पे एन माइनस वन है, वो बाद में आऊंगा मैं उस पर. अब कोई अगर बात कर रहा है कि सपोज somebody is betting on, bet कर रहा है, betting on the number of heads. When a person is tossing three coins and is betting like, I'll give you 100 rupees if he doesn't get any head. Matlab all three tails aayenge, to I'll give you 100 rupees. So I'm betting on something, right? So yahan pe jo betting kar raha hai, iske paas betting karne ke liye options hai kuch. Zero head, yani no head, one head, two head, three head. These options are basically your random variables, x. ठीक है. सो x ऐसा लिखा जाता है, x इक्वल टू x. सो कैपिटल x इज योर रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ हेड्स. नाउ नंबर ऑफ हेड्स कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, नो हेड, वन हेड, टू हेड, थ्री हेड. मतलब आई कैन से स्मॉल x इज आइदर 0 1 2 3. ठीक है. नाउ यू कैन सिंपली फाइंड आउट ऑल द प्रोबेबिलिटीज एंड दिस इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन सेमेस्टर 3. सो नथिंग टू डिस्कस अबाउट दिस. नो हेड, नो हेड कितने पे, एक पे ही है, तो 1 आउट ऑफ टोटल कितना है, 8. ठीक है. सो ये सब आप लोग जानते हो कैसे करते हैं. सो रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली समथिंग, सम काइंड ऑफ अ वेरिएबल व्हिच बेसिकली डिनोट्स और टेक्स एनी पर्टिकुलर आउटकम वैल्यू इन अ सर्टेन इवेंट. इसमें दो टाइप होता है, डिस्क्रीट एक कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, व्हेन योर आउटकम इज बेसिकली इंटीजर. ठीक है, ये आउटकम की बात कर रहा हूं. एंड कंडीशनल मतलब कंटिन्यूअस, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज. ठीक है, जैसे अगर आप कॉइन टॉस करते हो या डाइस थ्रो करते हो, डाइस थ्रो किया तो आपको वन आएगा या टू आएगा या थ्री आएगा या फोर या फाइव या सिक्स. 5.4 तो नहीं आएगा. अगर कोई बोलेगा यार डाइस थ्रो करने पे ना मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा अगर 5.4 आ गया, तो मेरे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है. 5.4 तो आएगा ही नहीं, 100 रुपया मैं बोलते ही हार गया. So, ये चांस ही नहीं होता है. सो ये डिस्क्रीट हुआ, इंटीजर आउटकम. डिस्क्रीट कम यूजफुल होता है. कंटिन्यूअस ये रियलिस्टिक एग्जांपल्स में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है. कंटिन्यूअस जैसे योर हाइट और योर वेट,
अब आपका वेट है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहता है डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेस लेवल, डिपेंडिंग ऑन मल्टीपल फैक्टर्स इन फैक्ट, बट स्ट्रेस लेवल इज वन ऑफ देम। सो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी में ऐसी चीजें आउटकम में आती है जो बहुत फ्लक्चुएट होती है और एक फ्रैक्शनल वैल्यू पे डिपेंड करती है। सो आपका जरूरी थोड़ी कि आपका आज वेट मान लो 71 है, फिर बाद में जब आपका वेट बढ़ेगा तो सीधा 72 होगा, ऐसा तो नहीं होगा। इट विल बी 71 पॉइंट समथिंग, ग्रेजुअली इट विल इंक्रीज टू 72, देन इट विल बी सम अदर डेसिमल, देन 73, लाइक दैट। सो कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट ये दो चीजें होती है। अब इसके अंदर प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं ऐसे, और इसमें प्रोबेबिलिटी को दिखाते हैं ऐसे। अब मैं नया नोटेशन यूज कर रहा हूं, ध्यान देना। स्मॉल सॉरी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ स्मॉल एक्स, ऐसा आप दिखाते थे ना सेमेस्टर 3 में, मैं भी वैसे ही आपको पढ़ाता था, लेकिन अब ये नोटेशन ऐसा याद रखो, सफिक्स कैपिटल एक्स। सफिक्स कैपिटल एक्स बेसिकली ये डिफाइन करता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट रैंडम वेरिएबल एक्स व्हिच इज टेकिंग अ सर्टेन वैल्यू स्मॉल एक्स। ओके, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू आर ऑलरेडी अवेयर, समेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, वेरी श्योर यू आर अवेयर ऑफ दिस। इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज व्हिच इज बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हिच इज ऑलवेज 1। I can say it is minus infinity to infinity. यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ minus infinity to infinity. मतलब जितने भी possibilities हैं, left, right, हर एक चीज को मिला के total probability is always 1. And in this total probability which is defined as an integration. Integration क्यों? Discrete में हर चीज integer पे होती है, तो इसको आप graph पे ऐसे plot कर सकते हो। मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ये number of heads है मान लो। तो इस पे मान लो चांसेस है 0.4, इस पे है 0.8। अब आप बोलोगे डेसिमल कैसे आया, ये प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है। इवेंट ये नो हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 3.2 हेड्स तो नहीं आएगा ना, 3.45 हेड्स तो नहीं आएगा, वो फिक्स है, वो इंटीजर है, प्रोबेबिलिटी वैल्यूज चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटीज आ रही है वो मैंने रैंडमली लिखा है, उसको एड करके 1 नहीं है ऐसा मत बोलना, कुछ भी ले लो आप, ये डिस्क्रीट हो गया। कंटिन्यूस में कैसा होता है, इट इज अ ग्राफ। जैसे आपके वेट की बात करता हूँ, आप पैदा हुए, आपका वेट मान लो 3 किलो था, ठीक है, ग्रेजुअली ये धीरे 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 बढ़ता गया, धीरे 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 बढ़ता गया, बीच में मान लो एक दो डिप भी आया होगा, अभी आप मान लो हो 70 किलोग्राम पे, हो सकता है आप ऊपर जाओ, लेकिन यहीं पे अगर आप फिटनेस कॉन्शियस हो गए, अपने वेट को कंट्रोल करने लगोगे तो थोड़े टाइम तक आप स्टेबल रहोगे, अब आप टपकने वाले हो, एंड होने वाले हो, अभी आपका वेट डाउन होते जाएगा, हो सकता है आप इधर भी टपक जाओ, वो नहीं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है आपका वेट फिर कम होते होते आप सपोज 60 या 61 पे आके पास अवे। सो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ठीक है। इफ आई वांट टू फाइंड द टोटल प्रोबेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर केस, आई विल हैव टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब उसमें हम लोग नहीं जाते, एरिया अंडर द कर्व बेसिकली इंटीग्रेशन से दिखाया जाता है। नाउ इन दिस व्हाट आई हैव टू एक्सप्लेन यू, जो आगे इस टॉपिक पे काम आएगा वो बताता हूँ, एक मिनट। इसमें जो काम आएगा वो है एक्सपेक्टेशंस, ये भी आपने सुना ही है। Expectations basically nothing but the average. कोई चीज होने के लिए हम लोग expect करते हैं कि हाँ ये I expect कि ये ऐसा होगा. So that expectation. अब पूरे topic में PGM में यही तो है. You are expecting कि this particular thing will increase sale of the restaurant, right? So आपको वो चीज मालूम होनी चाहिए कि expectation क्या है. In discrete, if we find expectation, it is nothing but this. X into probability. Something that you are already aware of. ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. And if you are doing it in continuous, then it is integration of x. ठीक है? Limit being same, जो भी limit रहेगा. यहाँ minus infinity to infinity just for ऐसे generalization sake में दे रहा हूँ. But it simply means कि आपको जो भी range दिया रहे. Now you will say मेरे को range दिया, उससे क्या मतलब है? जैसे dice का, फिर एकदम simple example बता रहा हूँ. Dice का example लिया,
तो योर रेंज इज 1 और 6, 7 नहीं होगा, 0 नहीं होगा. सो ये आपका फिक्स्ड रेंज हो गया 1 to 6. सो डिपेंडिंग ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन दिस विल वेरी, लाइक वेट ऑफ योर्स. तो 0 से आप ले लो, मान लो 500 किलो. 500 किलो तो बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो हो गया, ठीक है. सो आप पूरे वर्ल्ड का वेट जनरलाइजेशन कर लो. नेगेटिव में तो किसी का वेट होगा नहीं, कुछ तो होगा. सो इट कैन बी मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम से 500, क्योंकि 500 किलो वाले बहुत कम होंगे इस दुनिया में. सो उसको मैं जनरलाइज कर सकता हूं इस रेंज में, ठीक है. सो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन. अब सपोज आई आस्क यू कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग 2 हेड्स व्हेन वी टॉस 3 कॉइंस, देन यू विल अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. और इसके लिए आपको पूरा प्रोबेबिलिटी टेबल मालूम होना चाहिए. जब आपके पास पूरी प्रोबेबिलिटी टेबल है, आप एक्सपेक्टेशन तुरंत निकाल सकते हो. आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेशन क्या है उसकी, ठीक है. फिलहाल फॉर्मूला जरूरी है तो मैं सिर्फ उतना बता रहा हूं. नेक्स्ट आता है इसका वेरिएंस. ये सब आगे काम आने वाला है. वेरिएंस बेसिकली ये फॉर्मूला होता है v of x एंड इट इज गिवन बाय e of x स्क्वायर माइनस e of x द होल स्क्वायर. अगेन दिस वाज देयर इन सेमेस्टर 3, बट वी विल नीड इट इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट फॉर यू. वेरिएंस इज सेम इन दिस केस एज वेल, देयर इज ओनली वन डिफरेंस. यहाँ पे आप एक चीज समझ रहे हो, e of x being the same thing. See, e of x ये है. हाँ, एक चीज और बताई नहीं, e of x को म्यू से भी दिखाते हैं. एक और नोटेशन है म्यू, तो ध्यान रखना इसका एक और नोटेशन म्यू है. कभी भी यूज में आएगा तो ध्यान रखना. एंड डोंट बी सरप्राइज्ड इफ समबडी राइट्स इट लाइक दिस, म्यू ऑफ x, मतलब म्यू सफिक्स x, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल x, ठीक है. नोटेशन अलग अलग ऑथर्स की बुक पढ़ोगे अलग अलग होता है, टेंशन ज्यादा लेने का नहीं. यहां जो e of x को है वो मुझे पता नहीं है. See, e of x is this only, इसी का जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर करना है. But e of x square is nothing but summation of x square into probability. Now this is quite easy to understand. E of x is x into probability, so e of x square will be x square into probability with the same limit which was there. Like I've generalized it to minus infinity to infinity here. And here in this case, everything being same, e of x square will be written as this, minus infinity to infinity, x square into f of x. So I didn't use that notation. ये ऐसा usually दिखाते हैं हम लोग, ठीक है. ये variance अगर आपको आ गया, standard deviation का कोई काम नहीं है यहाँ पे फिलहाल. So ये variance आ गया तो आपका काम हो गया. Now, what is expectation and variance like in realistic life? See, expectation is what? जो चेन मैंने आपको बताया, क्रिकेट वाला चलो एग्जांपल लेते हैं. सो क्रिकेट वाले एग्जांपल में एक एक्सपेक्टेशन मेरी है कि क्रिकेट खेला जाएगा. ध्यान से सुनना, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्या हो रही थी, वेदर आई शुड बाय टिकट और नो. अब हो सकता है ना, यू आर एट द काउंटर, एवरीथिंग इज फाइन, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, बट यू आर गेटिंग अ कॉल फ्रॉम योर समवन एंड दैट पर्सन ही और शी इज इंसिस्टिंग फॉर यू टू कम फॉर अ मूवी रादर देन गोइंग फॉर अ क्रिकेट विद फ्रेंड्स, राइट. Then you might change your decision. Now this is completely unprecedented situation. You're not aware what to do. I mean, this is something which was never there in the picture. ये मैं बहुत अच्छी important चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना. थोड़ा normal field में लिया है मैंने इसको, लेकिन concept बहुत important है. So this was completely an unprecedented situation which was not into my consideration while designing the whole system. इसी को अच्छा बनाने के लिए, मतलब कोई भी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन को कंसीडर करने के लिए जो आप मॉडल पढ़ोगे वो होता है बेजियन एंड मार्को मॉडल. ये हर एक चीज को काउंट इन करता है, हर एक फैक्टर को यूज इन करता है, ये कर लेता है. सो चलो बैक टू बिजनेस. अब मैं टिकट खरीदने जा रहा था, वो अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो मैंने आपको बताया ना, वो मॉडल से रिलेटेड, उसको छोड़ना थी. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मी बाइंग टिकट और द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड? आर यू अंडरस्टैंडिंग माई क्वेश्चन? What is very important in this? Cricket being played or me buying ticket? I'm very sure your answer is cricket being played. उल्टा सोचो आप, मैं टिकट लू या नहीं लू, इससे फर्क पड़ता है क्रिकेट पे? नहीं पड़ता, समझ गए. सो यहां जब मेन सिचुएशन में डिजाइनिंग में काम होता है ना, तो एक्सपेक्टेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है. सो एक्सपेक्टेशन किस चीज की आप करते हो? जो चीज से सारा चेन रेडी हो रहा है. अब आप यहां बोलोगे कि एक्चुअली तो वेदर से हो रहा है. नहीं, मैंने बोला ना, अगर वेदर खराब भी है,
हल्की हल्की शावर भी हो रही है तो भी क्रिकेट में चार पांच ओवर तो होएगा ही. सपोज यू आर जस्ट गोइंग टू सी अ पर्टिकुलर क्रिकेटर, योर फेवरेट क्रिकेटर, यू आर जस्ट गोइंग टू सी हिम, वही आप देखने जा रहे हो, तो चार ओवर का भी मैच हुआ तो आप खुशी से अपना पैसा वसूलोगे या बोल के आ जाओगे. क्लियर है? तो क्रिकेट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो आप इसमें एक्सपेक्टेशन किस पे करोगे कि क्रिकेट हो. सो जब एक्सपेक्टेशन आप निकालते हैं तो यहाँ डिस्क्रीट छबोल एग्जाम्पल फॉर्मूला मैंने आपको दिया नहीं है तो ज्वाइंट वाला नहीं बताता हूँ. एक और है ज्वाइंट एक्सपेक्टेशन, वो मैं जब आऊंगा आगे बढ़ूंगा तब आपको बताऊंगा. बट एक्सपेक्टेशन जब मैं निकाल रहा हूँ क्रिकेट का, खेलने का निकाल रहा हूँ, अब इसमें वेरियंस क्या हो जाता है उसका मीनिंग बताता हूँ. मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेशन शायद आप समझ गए होंगे. वेरियंस का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन के अलोंग चेंजेस कम या ज्यादा. छोटा सा एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं. सपोज देयर इज अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, एंड आई वॉन्ट टू एनालाइज देयर परफॉर्मेंस. ये मैंने सेम 3 में भी एग्जाम्पल दिया होगा शायद. आई वॉन्ट टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है. हाउ कैन आई एनालाइज दैट? बाय टेकिंग अ टेस्ट, ठीक है. सपोज आई हैव टॉट 4 मॉड्यूल्स and I want to see how students are performing in these 4 modules before going for the next module. Else I'll revise those 4 modules. ठीक है, अगर बच्चों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है. So I'm taking a test of say 100 marks. And students have secured 60 marks on an average. हो सकता है किसी को 0 भी आया, हो सकता है किसी को 100 आया हो, किसी को 65 आया, किसी को 38 आया, कुछ भी हो सकता है. Collective performance is going to be my expectation. ठीक है, जैसे मैंने अभी क्रिकेट का एग्जाम्पल दिया, क्रिकेट बींग प्लेड, ये कलेक्टिव एक्सपेक्टेशन हो रही है. परफॉर्मेंस, वेदर, ह्यूमिडिटी, विंड, हर एक चीज का काम होने के बाद क्रिकेट खेला जा रहा है, ठीक है. रेन नहीं है, सब चीज होने के बाद. वैसे 50 स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस है, किसी को 0 भी आया होगा, किसी को 100 भी आया होगा. मैं ऐसे नहीं एनालाइज करूंगा, मैं क्लास का परफॉर्मेंस इन जनरल कैसे एनालाइज करूंगा, एवरेज निकाल के. So 60 becomes your expectation. 60 marks is your expectation. Now if suppose I come to you, ठीक है, 50 students है क्लास में, I approach a specific student without knowing how much marks he or she has secured. मुझे नहीं पता कि उसको कितने marks मिले. मैं approach करता हूँ. And suppose that person says, well, I've got 70 marks. Now, on all the parameters that I have discussed, what do you think? What will be my expression? Wow, acha hai. Arey, very nice. Keep it up. Yehi rahega na? Kyun? Kyun? 70 bahut acha marks hai kya 100 mein se? Nahi. 70 pe main khush isliye hunga kyunki meri expectation thi 60 marks. Class ka general average performance 60 marks aaya hai. To agar kisi ko 70 aaya, I am happy. Because जो मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे 10 मार्क्स ज्यादा है. And I'll be sad if somebody says I got 50, because that's 10 less. So variance is basically the spread. You're getting me? The spread across or basically from expectation. So if somebody got 40 marks, then that is variance of minus 20. Okay, it's not volts, it's variance. And suppose somebody got 80 marks, that means this is plus 20 variance. Okay, so variance, how this is useful in our PGM topic subject. This is useful because wind may create some impact on rain, but maybe in some region because of their conditions, kya bolte hai usko, geographical conditions, yes. ज्योग्राफिकल कंडीशंस, हो सकता है कि वहां पर विंड नहीं ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है. जैसे ट्रॉपिकल रीजन की बात कर ले हम लोग, अगर आप कोई एक दूसरे पर्टिकुलर रीजन में जाते हो तो वहां हो सकता है कि रेन किसी और चीज पे डिपेंड करता हो, हाइट पे डिपेंड करता हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल चेरापूंजी. सो ये बहुत सारी जगह पे अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से काम होता है. सो वेरियंस वही बताता है कि जब आपने क्रिकेट का एग्जाम्पल लिया तो क्रिकेट में एक्चुअल में क्रिकेट किसकी वजह से हो पा रहा है. पब्लिक बोलेगी नहीं बारिश नहीं हुआ इसके लिए. ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कंट्री में ना ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होती है ना तो बारिश होती ही होती है, बट ह्यूमिडिटी 98% पे पर फिर भी बारिश नहीं हुई, तो कौन ज्यादा बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हुआ? ह्यूमिडिटी. दैट्स वेरिएंस. क्लियर? सो ये वेरिएंस कैसे प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल में, ग्राफिकल मॉडल में काम आती है. और जो ग्राफ स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, ग्राफ स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, नोड्स, जो डेटा स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा है, बबल, शॉर्ट, पता नहीं क्या क्या, वो सब में कौन सा वाला नोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
वो पता करने के लिए एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस का काम है। क्लियर है? सो आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। रैंडम वेरिएबल्स में जो दो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था ये भी आप लोग लिख लेना। इसके बाद आता है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैं सोच रहा हूँ 7 बज गया ना, आज नहीं लेता हूं क्योंकि आज फर्स्ट सेशन है। सो आपको एक बेसिक आइडिया देना था प्रोबेबिलिटी का, आप ये समझ गए तो काफी है। आगे हम लोग जब टॉपिक पे पूरा आगे बढ़ेंगे तो एक सेशन आपका जाएगा जो फुल मैथमेटिकल और डिस्क्रीट पे कॉन्सेप्ट पे जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता देता हूँ क्या हम लोग करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा इसका प्रोबेबिलिटी का पार्ट खत्म करेंगे, जिसमें आपको जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा। फिर हम लोग डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स पे आएंगे, जिसमें ग्राफ, नोड्स, साइक्लिक, ये सब सारी चीजें पढ़ेंगे, ट्रीज वगैरह। और फिर वहां पर क्या बोलते हैं, बेजियर नेटवर्क क्या होता है, मार्कोव मॉडल क्या होता है, उसका एक बेसिक पढ़ेंगे। वंस वी आर डन विद दैट, देन वी विल गो फॉर मॉड्यूल 2 व्हिच सर यू आर म्यूटेड। आवाज नहीं आ रही शायद। ठीक है, सो आज हम लोग यही रुकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ ये कॉपी करने का। मीनवाइल अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। एंड इफ यू आर डन विद दिस, ये कॉपी आपने कर लिया तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फॉर फर्स्ट क्लास ऑफ पीजीएम। थैंक यू गाइस। ये कॉपी कर दो, मैंने कॉल रखा है सेशन को। सर एक छोटा सा था, हम लोग अभी जो पीजीएम में आगे पढ़ेंगे ये दो मॉडल्स, तो प्रैक्टिकली हम लोगों को अगर परफॉर्म करने का है, एक कोड है, तो हाउ वुड यू रेकमेंड इट? आपकी आवाज काफी कट रही है सर, अभी आ रही है। एक मिनट। हां, सम आई हर्ड समथिंग लाइक कि प्रैक्टिकल समथिंग आई हर्ड। हां या हां, मतलब प्रैक्टिकल व्हाट, मतलब इसके ऊपर हम लोगों को प्रैक्टिकल करना होगा जो दो मॉडल्स है। हां वो आएगा, आएगा आगे आएगा। वी आर एक्चुअली गोइंग टू सी हाउ प्रैक्टिकली दिस इज डन। मतलब ये जैसे मैंने आज पूरा हवा में बात किया ना, मैंने बोला ना सुपरफिशियल डिस्कशन आज हम लोग करेंगे, बट रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स के साथ और एक्चुअल प्रोग्रामिंग के साथ। मतलब एक और चीज बता देता हूँ, ये जो सारी चीजें आप पढ़ रहे हो ना, दिस ऑल दिस कैन बी प्रोग्राम, पाइथन, मैटलैब, बहुत सारी चीजों पे आप इसको सिस्टमैटिक अप्रोच दिखा के एक डिजाइन बना सकते हो। और मैं ऑलमोस्ट समझो ना जैसे 4th या 6th सेशन में वो चीज भी आपको बताऊंगा। ठीक है, सो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ दिस इज डन। ओके सर, गॉट इट। ओके, Subodh sir, admin, you want to add something? I think we should end the session today here only.